वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं मोहम्मद अली ऑफिशियल चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ईद मुबारक, और ईद का साथ ही दूसरा दिन भी मुबारक क्योंकि आज दूसरा दिन है। तो जनाब, उम्मीद है सबकी अच्छी ईद गुजरी होगी। तो जनाब, ईद तो सबसे पहले उनकी होती है जिन्होंने रमज़ान के सारे रोज़े रखे होते हैं, और जो बेरोज़े होते हैं उनकी ईद नहीं होती। लेकिन चलें, यहाँ पे सब ही ईद मनाते हैं। तो अगर आप देखें ना, पीछे ये रोड बन रहा है, ज़ेरे तमीर है। तो ये कौन सा रोड है? आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, कि आपको बताया था कि जनाब वो क्रेन से जिस तरह मिट्टी उठा उठा के ट्रैक्टरों में और डंपर वगैरह में डाल रहे थे, तो वो मिट्टी सारी इस रोड पर आ रही थी। तो ये तकरीबन बहुत, मेरे ख्याल से पता नहीं अभी इसकी कितनी लंबाई है, तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर ना इसकी लंबाई होगी, 1.5 किलोमीटर, तकरीबन 1.5 किलोमीटर होगी इसकी लंबाई। तो जनाब, ये रोड बना था हमारे एक गांव से दूसरे गांव तक। साल के तौर हमारा गांव है दुदरा, उसके साथ गोंदल शरीफ है, उससे ये लिंक होता है। और जो गोंदल शरीफ है इससे कमाला जग लिंक हो रहा है ये न्यू रोड के ज़रिए, ठीक है। तो जनाब, बात करने का मकसद ये है कि ये जो रोड है इसके साथ जो ज़मीनें हैं ये अभी इंतहाई महंगी हो चुकी हैं, ठीक है। कमर्शियल प्लाट बनेंगे अभी, तो कुछ अरसे के बाद हो सकता है यहाँ पे कोई गांव वगैरह बन जाए या कोई बाज़ार वगैरह यहाँ पे शक्ल ले ले, क्योंकि ये जो कमाला चक है, कमाला चक जो शॉप्स हैं, दुकानें हैं, ये बहुत ज़्यादा बन गई हैं और हमारे गांव से दूसरी तरफ जा रही थी। लेकिन अभी उम्मीद है कि इस रोड पे दुकानें बनेंगी, क्योंकि ये बहुत खुला एरिया है और नज़दीक भी है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो जनाब, ये रोड आबाद भी हो गया। अगर आप पीछे देखें तो मोटरसाइकिल वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह इस पे अभी चल रही हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो जनाब, ये सड़क बिल्कुल जनाब उन्होंने प्लेन कर दिया। अभी इसका काम जारी है, मेरे ख्याल से इसके ऊपर हाका और पत्थर वगैरह और कारपेट रोड बनेगा, ठीक है। और हो सकता है 3 से 4 माह लग जाए, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोसेस है, तो इसी तरह आस्ता आस्ता चलता है। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर आपको मालूम हो जाए कि आपके इलाके में कोई इस तरह का रोड बन रहा है, तो आपको चाहिए कि वक्त से पहले वहाँ से ज़मीन खरीद लें, क्योंकि इसी तरह का एक वाक़ा हुआ है हमारे गांव के, समझे मेरे उस्ताद हैं ट्रैक्टर की जो स्किल है, जो ट्रैक्टर चलाना है, वो मैंने उन्हीं से सीखा था। तो उनको मालूम नहीं था, उन्होंने अपनी 5 किनाल की ज़मीन 18 लाख में इधर से दे दी थी। तो वो अगर ये रोड ना बनता तो उसके लिहाज से ये बिल्कुल ठीक रेट था कि जनाब बिल्कुल उन्होंने सही रेट पर ज़मीन दी। लेकिन अभी रोड बन गया, तो रोड तकरीबन 4 महीने पहले मंजूर हो चुका था, तकरीबन 1 साल पहले आवाम को पता चल चुका था यहाँ पे रोड बनने जा रहा है। तो जनाब, उन्होंने बेवकूफ़ी की या मजबूरी कह लें या उन्हें मालूम नहीं था, जो भी वजह बना लें, तो उन्होंने वो ज़मीन अपनी बेच दी जो 5 किनाल की ज़मीन इस रोड को लग रही थी, ठीक है। इसके साथ वो लिंक थी, उन्होंने बेच दी। तो अभी वो जो ज़मीन थी उन्होंने 18 की दी, तो एक ठेकेदार था इधर, उसने कहा था मैं नगद आपको 60 लाख रुपया देता हूँ उस ज़मीन का, अगर आप वो मुझे दे दें। लेकिन उन्होंने बयाना वगैरह सब कुछ दे दिया हुआ था, पैसे मेरे ख्याल से पकड़ लिए हुए थे, तो कुछ भी नहीं हो सकता था। तो 60 लाख भी वो मुनाफा बश समझ रहा था, क्योंकि वो अभी ठेकेदार था, इधर का तो है ही नहीं था, लेकिन फिर भी वो इतना पैसा उन्हें दे रहा था। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि अभी ये बहुत ही ज़्यादा महंगी ज़मीन हो चुकी है। तो अगर आपके इलाके में कोई इस तरह का जनाब प्रोपेगेंडा करने की कोई कोशिश करे, तो जब आप कोई चीज़ बेचें तो समझिए आप ज़्यादा लोगों को उसमें इन्वॉल्व कर लें। जब ज़्यादा बंदे आपके शामिल होंगे उस काम में, तो आपको समझे कुछ ना कुछ राय लाजमी मिल जाएगी, ठीक है। उन्होंने किसी को बताया नहीं, पूछा नहीं, तो उन्होंने बेच दी। तो बाद में उन्हें पता चला कि जनाब इस तरह ये जो ज़मीनों के ऊपर रोड बन रहा था, इसलिए दूसरी पार्टी ने वो ज़मीन खरीद ली। लेकिन चलें, अल्लाह पाक खैर फरमाए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।